सो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल सर। जी थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब रिसेंटली धमाका आई थी एंड वी हैव सीन यू इन दैट मूवी, तो रिलीज होने के बाद जो पिक्चर जितना कमाई है उस पर आपका क्या कहना है? यार आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ऑडियंस को इतनी पसंद आई है और चूंकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और फायदा यह है कि एट वन गो द होल वर्ल्ड इज एबल टू सी योर प्रोडक्ट। तो कमाल यही है कि वो हिंदुस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, UK है और जो भी इंटरनेशनल मार्केट है, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर और पूरी दुनिया से इंटरनेट की वजह से इमिजिएटली यू गेट द फीडबैक। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत लोगों को पसंद आई और मेरा तो उसमें रोल ज़्यादा नहीं था, हालांकि एक महत्वपूर्ण किरदार था, बट ऑन स्क्रीन टाइम वॉज नॉट मच। बट पीपल लव्ड कार्तिक आर्यन, पीपल लव्ड एवरीबडीज परफॉर्मेंस, पीपल लव्ड द फिल्म। और आज के समय में भी जो हालात हैं, जिस मीडिया या हमारा जो एक कमर्शलाइजेशन हो गया हर चीज़ का, जिस बारे में वो फिल्म बात करती है और इंडिविजुअल एम्बिशन की जो बात करती है, तो तमाम चीज़ें जो डायरेक्टर और राइटर कहना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, दैट गॉट अक्रॉस वेरी वेल टू द ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स पीपल लव्ड माय वर्क। ऑफ कोर्स। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज टू यू सर, आर्या जो ओटीटी पे आई है हॉटस्टार सीजन 1 तो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उसके वजह से अब सीजन 2 भी आई है। जी। तो आर्या स्टोरी को लेके आपको क्या कहना है? अरे सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि देखिए आर्या 1 भी लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया, इट गॉट नॉमिनेटेड फॉर द एमीज और नाउ सीजन 2 इज देयर। अब देखिए इस आर्या में अंडरवर्ल्ड भी है, क्राइम भी है, ड्रग्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस सब के बावजूद एक बड़ी साफ सुथरी कहानी है जिसको आप सपरिवार देख सकते हैं। इसके मेकर्स ने कहीं भी जो गंदगी या जो एलिमेंट्स हमारे सो कॉल्ड दूसरे फिल्म मेकर्स डालते हैं अपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फिल्मों को, अपनी वेब सीरीज़ को पॉपुलराइज करने के लिए, चीप थ्रिल्स, गालियाँ, नंगापन, वो कुछ नहीं है। सो ये दिस प्रूव्स कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी कहानी अच्छी है, आपके किरदार अच्छे हैं, आपके पास कुछ कहने को है, तो आप वो कहानी सीधे सिंपल तरीके से भी दिखा सकते हैं बगैर नंगेपन और गालियों का सहारा लिए हुए। That's what I feel about it. Of course, sir. मैंने आपको स्टाइल में और बहुत सारे पिक्चर टेलीविजन में वैसे नेगेटिव रोल में आपको देखा है जी, करते हुए रोल, इसमें भी वैसा ही कुछ है, तो आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर संपत यूं तो आउटराइट विलेन ही है और बल्कि आज का समय ऐसा हो गया है कि पहले जो होता था कि पहले हीरो या हीरोइन सब वाइट कैरेक्टर्स होते थे, विलन वाज द ब्लैक कैरेक्टर। नाउडेज वी आर सीइंग इन आवर स्टोरीज मोर एंड मोर ग्रे कैरेक्टर्स, जहां पर कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं है, कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं है, चाहे हीरो है या विलन है। तो ये भी जो किरदार है संपत का, ऑफ कोर्स विलन है, गैंगस्टर है, मर्डर करता है, कुछ भी करता है, ही इज कमिटेड टू हिज जॉब, बट ही इज समवेयर गुड, कहीं ना कहीं अच्छा ही है, जो कहीं उसे लगता है कि ये काम सही नहीं है, जिस तरह वो आरुख की सहायता करता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हालांकि दुश्मनी है उसकी आर्या से, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी जान ले लेगा, बट लेकिन उसकी बेटी के प्रति सहानुभूति है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई भी है जब वो देखता है कि अरे ये ड्रग्स उसने खा लिए हैं और ये तो मैंने ही दिए थे, आई मीन ही हैड्स दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट, और कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखता है, है ना, हनुमान भक्त भी है। तो तमाम चीज़ें हैं जिस तरह एक बैंक एग्जीक्यूटिव या कोई भी एक आम आदमी अपना ईमानदारी से अपना काम करता है, उसी तरह संपत भी वो अगर कत्ल कर रहा है या किडनैपिंग कर रहा है तो ईश्वर का नाम लेके ईमानदारी से अपना काम करता है। ये संपत कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी ऑन स्क्रीन पर? तैयारी तो होती है एक्टर की, क्योंकि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे इसका था कि भाई एक नॉर्थ इंडिया की, राजस्थान की, एक वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डरिंग दैट एरिया, उस पृष्ठभूमि का कैरेक्टर है, और तो लोकेलिटी के हिसाब से, वहाँ की भाषा के हिसाब से, और जिस मिलियू में, जिस सराउंडिंग में
कहानी चल रही है उसके हिसाब से आपको अपना किरदार तैयार करना पड़ता है। और सीज़न वन और सीज़न टू में भी फ़र्क है। सीज़न वन में ही वॉज मोर देसी, सीज़न टू के आते आते एक जो उसमें बदलाव आया वो ये था कि जैसे अब शेखावत सीनियर उदयवीर शेखावत आए हैं तो जर्मनी से आए हैं वो, और उनकी बैकग्राउंड जर्मनी की है और कहीं ना कहीं बचपन से उसका इनका संपत का और शेखावत सीनियर का एक वो रिश्ता रहा है कि ओके नो ही लुक्स अप टू हिम एज एज टीचर एज एज गुरु, तो बिकॉज ही इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड ही इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उनको खुश करने के चक्कर में कहीं अपने हिसाब से है तो देसी आदमी बट अपने हिसाब से ही ट्राइज टू मेक हिमसेल्फ जर्मन, है ना। कहीं ना कहीं उसके वो अपने बाल उसके गोल्डन हो गए हैं, है ना, एक आई लव जर्मनी का उसने वो यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, पीछे जैकेट पर अख्तम भी लिखा हुआ है। तो जैसे एक मैं कहूँगा एक आम हिंदुस्तानी एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ता था या पढ़ता है अभी भी कि मैं कुछ टूटी फूटी इंग्लिश सीख लूँ, तो वही इसका भी तरीका है। इन इज ओन देसी वे ही ट्राइज टू लुक जर्मन विच मे लुक जेन्युइन मे नॉट, पर ही उसका तरीका है टू ब्रिंग इन दोज एलिमेंट्स। हाँ, सुष्मिता जी के साथ मैंने ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 25 साल के बाद दोबारा काम किया है आर्या में। वी हैड वर्क टुगेदर इन हर फर्स्ट फिल्म, मैं तो तब तक कुछ फिल्में कर चुका था बट शी हैड फ्रेशली वन द मिस यूनिवर्स टाइटल एट दैट टाइम और दस्तक के लिए वो साइन हुई थी, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, उसमें सब मनोज बाजपेयी भी थे और मुकुल शरद द होल गैंग वॉज देयर। सेशल्स में मोस्टली वी हैड शॉट फॉर द फिल्म और तब भी बड़ा अच्छा तजुर्बा था। आई थिंक सुष्मिता जी वॉज इन हर लेट टीन्स एट दैट टाइम, फ्रेशली मिस यूनिवर्स, बट शी वॉज सो मेच्योर इवन एट दैट टाइम फॉर अ टीनेजर। और अब तो एक लंबा समय फिल्मों में देख चुकी हैं, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉम इन रियल लाइफ, जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुकी हैं, सो शी इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वर्क विद। बहुत ही एक वॉर्म्थ है, शी ब्रिंग्स हर ओन लाइफ टू द सेट और हर जिस भी तरीके से आप एक काम बेहतर कर सकते हैं तो ऐसे में एक अलग ही आनंद आता है व्हेन योर को एक्टर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सीरीज इज सो कॉम्पिटेंट एंड सो वॉर्म एंड सो गिविंग। आपने शुरू की एक यू स्टार्टेड ऑफ विद अ टेलीविजन, जब टेलीविजन से अपन मूवीज या पिक्चर पे जब जंप करते हैं तो लोग ऑब्वियसली लोगों का रिएक्शन ऐसे होता है कि ये टीवी फेस है, कभी आपको ऐसा चीज फेस करना पड़ा व्हेन यू जंप्ड फ्रॉम सीरियल्स टू डूइंग अ मूवी? हां, मेरा करियर की शुरुआत इट हैपेंड विद फौजी जो सबसे पहला किया था, आई थिंक दैट वेंट ऑन एयर इन 1989 और फौजी पॉपुलर बहुत हुआ और अब लोगों को वो याद है एज शाहरुख खान्स फर्स्ट सीरियल और डेब्यू वर्क ऑन द स्क्रीन। तो उस वक्त ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा डिवीज़न मैंने तो महसूस नहीं किया। हाँ, ये है कि चूंकि वो सारा काम हमने दिल्ली में किया था, दैट गेव मी अ रीज़न टू मूव टू बॉम्बे कि भाई रोल पसंद आया है, दैट गेव मी सम कॉन्फिडेंस आई केम हियर। लेकिन इमीडिएट बम्बई में आके काम मिला नहीं ऐसा कुछ, तो आई वॉज जो टिपिकली ग्राइंड होती है, आई वॉज कुछ फोटो सेशंस कराए, देन आई वॉज गोइंग टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कुछ एड्स किए शुरू में, छोटे मोटे काम किए बिफोर आई मैनेज टू गेट अ ब्रेक इन फिरोज खान फिल्म यलगार। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन उस तरह का कुछ मैंने वो फेस नहीं किया कि ये टेलीविजन का है या क्योंकि नए नए थे ऐसा कुछ बहुत इमेज सेट हुई नहीं थी। और वंस आई गॉट द ब्रेक इन यलगार, पीपल लव माई वर्क इन यलगार एंड वर्किंग विद फिरोज खान एंड संजय दत्त वॉज सच अ प्लेजर। और एक नया लड़का इससे अच्छी ब्रेक की क्या उम्मीद कर सकता है सिनेमा वर्ल्ड में। और उसके बाद फिर हम इतना काम मिला कि फिल्म ज़्यादा करता रहा मैं, उल्टे बल्कि मुझे बाद में ये लगने लगा, उस वक्त ये धारणा थी जो आपने सवाल किया कि एक इमेज थी कि अगर आदमी टेलीविज़न पर काम कर रहा है तो लोग सोचते थे तो टीवी वाला है, तो मैं भी गलतफहमी में काफ़ी समय हालांकि शुरुआत टीवी से की बट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई केप्ट सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन टेलीविज़न।
क्योंकि कहीं ना कहीं धारणा मन में बैठ गई थी कि नहीं, अगर मैंने टीवी किया, हम तो सिनेमा, हम तो फिल्म करने वाले लोग हैं, अगर टेलीविजन किया तो कहीं वो इमेज को चोट ना लगे। दूसरा ये भी था कि पहले फिल्मों में टाइम बहुत लगता था, बिकॉज एरेटिक शूटिंग्स हुआ करती थी, फिल्में तीन तीन चार चार साल तक बनती थी, हीरोज टाइम पर आते थे, लेट लतीफ़ी वॉज क्वाइट पॉपुलर, और तो कैरेक्टर एक्टर अटका रहता था बेचारा ना, कि उसका काम भले ही 10, 12, 15 दिन का है लेकिन वो 60-60 दिन शूटिंग कर रहा है क्योंकि हीरो या हीरोइन अवेलेबल नहीं है, तो टाइम भी नहीं होता था टीवी करने का। बट ग्रेजुअली यस, आई बाद में जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, आई वॉज एबल टू डू बोथ मूवीज एंड टेलीविजन बगैर किसी स्टिग्मा के। सर, आपने अभी तक अपने करियर में जितने भी रोल्स किए, अगर मैं आपको पूछूं कि कोई एक रोल जो यू हैव, मतलब वो रोल से आपने कुछ सीखा है, एंड यू हैव टू एनी वन रोल दैट यू नो आपके दिल के बहुत करीब है, एंड यू हैव टेकन दैट रोल टू योर पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच दैट रोल यू हैव टेकन टू योर होम। रोल्स तो क्योंकि क्वांटिटी वाइज इतना काम हो गया, और कहीं ना कहीं आप रोल्स तो बहुत सारे हैं जो मेरे मुझे पसंद हैं, और एक विलेन को तो बेहतर ही होता है कि अब जो वो सेट पर कर रहा है या फिल्मों में जो हमारा, चूंकि मोस्टली क्रिमिनल या एक शैतान का काम होता है, तो उस शैतान दिमाग को घर लेके ना ही जाएं तो बेहतर है। सो आई हैव ट्राइड टू कीप अ गैप बिटवीन द टू, कि भाई जो प्रोफेशनली हम कर रहे हैं, नॉट टू कैरी दैट मेंटल बैगेज होम, अदरवाइज इट बिकम्स ट्रिकी एट टाइम्स, जितना भी कर सकते हैं। तो रोल्स, बल्कि आई जस्ट फील कि आई मीन द बेस्ट इज येट टू कम, अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है, आगे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं, सो आई थिंक। लेकिन जो अभी तक किया है, आई फील जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, एक मैंने फिल्मों में तो किया ही, एक टेलीविजन सीरीज मैंने की थी मर्यादा, लेकिन कब तक, उसमें ब्रह्मानंद जाखड़ का एक रोल था, दैट पीपल लव द लॉट, वो करने में बड़ा मज़ा आया था। टेलीविज़न में फ़ायदा क्या होता है कि आप लंबे समय तक उस किरदार को डिटेल के साथ जी सकते हैं। इन अ मूवी, इन अ टिपिकल स्टार, इन अ बिग स्टार फिल्म और अ मल्टी स्टार, आपको समय मिलता नहीं है स्क्रीन पे, काफ़ी एडिटिंग हो जाती है फोकस, क्योंकि मोस्टली स्टार पे होता है, समय मिलता नहीं है। टेलीविज़न गिव्स यू दैट फ्रीडम, बिकॉज टेलीविजन में यू आर द प्रोटैगनिस्ट, देयर इज मोर फोकस ऑन यू। सो या, प्लेइंग ब्रह्मानंद जाखड़े मर्यादा वॉज लॉट ऑफ फन। अगेन आई गॉट अनदर सीरीज कॉल्ड एक बूंद इश्क, वो भी स्टार ग्रुप का ही था, प्रोड्यूस बाय BBC। एक बूंद इश्क में डबल रोल था, एक यूनक और कलावती हु लिव्स इन द सोसाइटी एज रुद्र प्रताप सिंह। हकीकत में अपनी ज़िंदगी में वो एक लड़की है, लेकिन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उसे एक पॉलिटिकल लीडर बन के, एक आदमी बन के रहना पड़ता है। तो जो द्वंद्व था इन दो किरदारों के बीच, एक ही इंसान के अंदर, वो अगेन वो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल चला सीरियल। तो उसमें तमाम तरह की धारणाएँ, लड़ाइयाँ, दो किरदार जीना, इस तरह के किरदार जो मतलब आत्मा लड़की की है, शरीर मर्द का है, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कैरेक्टर जीने में भी बड़ा मज़ा आया, और आफ्टर इफेक्ट्स उसके काफ़ी रहे, जैसे लंबे समय तक करते रहे और ऑलमोस्ट 1.5-2 साल, तो अब जेस्चर्स कहीं ना कहीं पूरा दिन वो कर रहे हैं, तो वो मेरे सिस्टम में काफ़ी आ गए थे, कि आप कहीं मार्केट में भी गए हैं तो आपका हाथ वहाँ ऐसे ही रह गया है ना, आपको ध्यान नहीं है, आप बोल रहे हैं हाँ और दिखा, एंड सडनली माई वाइफ सेज कि आपका हाथ, ओ अच्छा, तो आपको, हमें खुद याद नहीं रहता था। सो दीज एलिमेंट्स स्टे देम व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। सो टॉकिंग अबाउट योर वर्क, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, संपत को जैसा रिएक्शन मिला आर्या में और लोग ने जैसा उसको पसंद किया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? इट्स नाइस बिकॉज, और जब एक राक्षस या दानव या बुरा आदमी या क्रिमिनल कोई अच्छा काम करता है, तो लोगों को वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सो इन सीज़न 1 ऑल्सो, व्हेन जब संपत आरू को किडनैप भी करता है, और जब उसको
सैनिटरी पैड्स चाहिए होते हैं तो वो लेने चला जाता है बेचारा सीधे मन से सैनिटरी पैड्स. तो पीपल लव दैट एलिमेंट. यहाँ भी एक तो संपत जिस इलाके का है, जो उसकी भाषा है, काम सीरियस कर रहा है, बट ही हैज़ दैट एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. कहीं ना कहीं उसमें ना एक अंडरकरंट ऑफ ह्यूमर है. काम सीरियस है पर उसको एक हंसी मजाक में थोड़ा सा एक एलिमेंट डाल के वो करता है. सो पीपल लव दैट. और मेरी जो लाइनें संपत की हैं वो लोगों को याद हैं. लोग मुझे वो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर वो डायलॉग कोट कर रहे हैं. सो यू लाइक इट दैट वे कि भाई इतना लोगों को मज़ा रहा है, सारे जो एलिमेंट्स हैं कि और इतने सारे शेड्स हैं कि शेखावत के साथ था, लॉयल है, पहले जूनियर शेखावत के साथ था, अब सीनियर शेखावत के साथ है, और एक राजस्थान की मिट्टी में या देश जो एक लॉयल्टी है, जो खून एक एक आपकी जो खून समर्पित होता है जिसके लिए आप काम करते हैं वो इसमें है. बट लेकिन जब व्हेन दैट मिसबिहेवियर हैपन्स, व्हेन ही सीज के कहीं ना कहीं उदयवीर शेखावत साहब वो कद्र नहीं कर रहे हैं एक जो होना चाहिए, तो देन द ट्रांजिशन हैपन्स इन हिज हार्ट समवेयर. सो इट्स बीन नाइस. और इस तरह का किरदार आमतौर पर बहुत जल्दी मिलता नहीं है, तो आई एम थैंकफुल टू द मेकर मिस्टर राम माधवानी फॉर गिविंग मी दिस कैरेक्टर विद मल्टीपल शेड्स. मेंशन कि आपकी इंस्टाग्राम आईडीज पे आपको लोग मैसेज करके ट्वीट करके पूछ रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो उसी में से कोई एक डायलॉग बोल दीजिए। उसमें एक सिचुएशन है जिन लोगों ने देखा है वो, कि जब ये संपत केडिया को आर्या के पास लेकर जाता है, आर्या ने उदयवीर के पोते पोती किडनैप कर लिए हैं कि भाई पोता पोती तभी दूंगी जब तुम केडिया को हमें दोगे. तो केडिया को लेकर पहुंचता है संपत वहाँ और वो उसकी तुड़ाई की है इसने ना, तो पूरा पट्टियाँ वट्टियाँ खूनम खून है वो बंदा. तो आर्या सामने से बोलती है कि ये क्या है, तुमने इसको अधमरा कर रखा है ना, ये बात थोड़ी हुई थी कि तुम इसको आधा मरा हुआ लेके आओ. बोले ना ना, संपत कहता है अभी भी 50% करंट बाकी है इसमें, और इसकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी हमने, 1-1.5 हफ्ते में ब्रांड नहीं हो जाएगा, जा भाई. तो मतलब उसकी कुटाई भी की है, मारा भी है, लेकिन उसका जो कहने का तरीका है कि ना ना, 50% पर करंट बाकी है अभी लो. क्या बात है। लास्टली सर, इसके आर्या के अलावा आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस? अभी 2-3 बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. वो जो एक मैजिक वर्ड है, पाइपलाइन, तो सो या अ फ्यू थिंग्स आर इन द ऑफिंग बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. और फैंस को तो मैं यही कहूँगा कि भाई सादर चरण स्पर्श, आप लोग हैं तो हम हैं, जो प्यार आपने दिया है दे रहे हैं प्लीज़ देते रहिए. और जो अच्छा काम है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो लोग गंदा काम बना के दे रहे हैं उसे नकार दीजिए. तो आप लोगों के ऊपर भी है कि एक फिल्म मेकर या एक क्रिएटर क्या बनाता है. अगर आप लोग गंदा काम एक्सेप्ट करेंगे तो लोग पीपल विल गिव मोर ऑफ दैट, और अगर आप अच्छे काम को प्यार देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सो दे विल बी प्रेशर ऑन फिल्म मेकर्स टू कास्ट गुड एक्टर्स टू क्रिएट गुड कंटेंट. थैंक यू सो मच.